परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो वरताए साई जुगत, नानक ओहो पुरख कहिया जीवन मुकत। परमात्मा जो भी वरतौंदा है उसनु ओहो जीवन मुक्त वाला पुरुष जुगती सहित ही निश्चय करता है कि वाहेगुरु ने जो कीता है ठीक कीता है, अथवा इंद्रिया नु जो भी वरतौंदा है ओह जुगत पूर्वक वरतौंदा है। गुरु जी आखदे हन ओह पुरुष जीवन मुक्त अवस्था वाला कहिदा है। किसे देश दा एक राजा सी, उसदे घर विच संतान नहीं सी। बड़े जतना दे करन नाल भी जब संतान ना होई तो उसने बहुतियां तो संतान उत्पत्ति का साधन पूछया। एक जोशी ने कहा, हे बादशाह, जेकर आप संतान की सेवा करोगे तो उन्होंने आशीर्वाद नाल जरूर संतान होवेगी। उस वेले राजे ने नदी के किनारे एक बड़ा भारी आश्रम बनवाया। आश्रम के बनन तो बाद साधु लोग आने लग पे। राणी समेत राजा अन्न पानी वस्त्र आदि ले जा के हर तरह संतां दी सेवा करन लग पिया। इन्हां दी सेवा तो खुश होके एक महात्मा ने पूछया, ऐ बादशाह, तू किस भावना नाल सेवा कर रहा है? राजे ने झोली अड के कहा, महापुरशो, आप जी की कृपा नाल होर तां सब कुछ है, पर एक मिठी दात पुत्र दी नहीं है। आप कृपा करो, साढ़े घर विच बूटा लग जावे। संता ने कहा, राजन, फिकर ना कर, तेरे घर दो पुत्र होंगे, पर एक नू गृहस्थी बना के राजभाग दे दवी, दूजे नू साधु बना दी, अते तू आप राजभाग दे के जीवन मुक्त हो के विचरना करी। संतां दे वर करके समय अनुसार राजे दे घर दो पुत्र हो गए। उस दिन तो राजे दे मन विच संतां उपर बड़ी श्रद्धा हो गई। राजा हर रोज सत्संग करन लग पिया, जिससे राजे दे मन नू बड़ी शांति आई। शास्त्रां विच जीवन मुक्त अवस्था दे लक्षण पढ़े अते जीवन मुक्त अवस्था वाले महात्मा दी तलाश करन लग पिया। तलाश करदिया होया पता लगा कि जड़ परथ नामे महात्मा विच जीवन मुक्त अवस्था वाले पूरे लक्षण हैं। जीवन मुक्त अवस्था वाले महात्मा विच पांच गुण होंदे हैं। वो ये हैं, पहला हर वेले अपने स्वरूप का ज्ञान रहना, दूसरा तृष्णा ते वासना आदि तों रहत होना, तीजा किसे नाल वाद विवाद नहीं करना, चौथा हर वेले दुख का अभाव होना। गुरबाणी विच श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, सुख स्नेहो अर पै नहीं जाकै, कंचन माटी माना, नह निंदया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोक ते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निरासा, काम क्रोध जह परसै नाहिन, तेह कट ब्रह्म निवासा। ते पांचवा है, हर वेले मन विच खुशी रहनी ते आनंद विच मस्त रहना। ऐसे तरह दे पंजे गुण जड़ परथ महात्मा विच दिखाई दिते सन। राजे नू जड़ परथ नामे संतां दे दर्शन करन दी बड़ी तांग पैदा हुई। जड़ परथ नामे संतां दी प्रीख्या लैण वास्ते राजे दे अपने बाग विच एक निम दा ब्रिछ सी, उस नाल निमोलियां लगियां हुईयां सन। जिहड़ा भी कोई संत आउंदा उसनू राजा कहिंदा सी, इस अंब दे ब्रिछ नाल छोटियां छोटियां अंबियां लगियां हुईयां हन, फल पक्कण ते सेर सेर दे अंब हो जांदे हन, इन्हां फलां नू तुसी खा के जाणा, तुसी जाण दी जल्दी नहीं करनी। उसनू देख के महात्मा कहिंदे सन, हे राजन, ये तो निम का ब्रिछ है, अंब नहीं। इंज कह के चले जाते सन। राजा समझ लेंदा सी
कि यह जड़ परमात्मा नहीं हन। राजे ने उस बाग विच एक तोता भी रख्या होया सी, जो आए गए संतां नूं अते राजे नूं बड़े सत्कार भरे मिठे मिठे बचन सुना के प्रसन्न करदा सी। अते आए हुए संतां नूं आखदा सी कि संत जी, मैं सुनिया है कि प्रभु दा नाम जन्म मरण दे बंधन कट दिंदा है, पर मेरा तां लोहे दा पिंजरा जो मेरे वास्ते बंधन रूप है इस नूं नहीं कटदा। मैं दिन रात नाम लेंदा रहिंदा हाँ, कोई तरीका दसो जिस करके मेरा बंधन टुट जावे। महात्मा ने अनेक जुगतियां भी दसियां पर उसका पिंजरा ना टुटिया। अखीर एक दिन फिरदे फिरदे जड़ परथ नामे महात्मा भी उत्थे आ गए। जिस वेले बाग दे अंदर वड़े तां तोते ने बड़े मिठे मिठे बोलां नाल बड़ा सत्कार कीता ते प्रश्न कीता, महाराज जी कोई जुगती दसो जिस करके यह लोहे का पिंजरा टुट जावे। संतां ने कहा, मन इंद्रियां नूं रोक के मुर्दे वांग लम्मा पै जा, हुणे पिंजरा टुट जाएगा। राम राम जपण करके तोते दा हिरदा तां अगे ही शुद्ध सी। संतां दे बचना अनुसार जिस वेले मन इंद्रिये प्राणा नूं रोक के लम्मा पै गया, इतने नूं राजा आ गया। तोते ने पहले वांग मिठे बचन बोल के सत्कार ना कीता। राजे ने माली तो पुछया, तोता किथे है, बोलदा नहीं। माली ने देख के कहा, वो तां मोया पिया है। उस वेले राजे ने उस पिंजरे नूं अपने पास मंगवा के तोते नूं पिंजरे तो बाहर कढ़िया, उस उत्ते हथ फेरिया, गुलाब अतर छिणकिया, पर तोते ने अख भी ना खोली। फिर राजे ने कहा, इसनों बाहर खुली हवा विच रख दिओ, शायद ठीक हो जाएगा। जिस वेले तोते नूं खुली हवा विच रख के सारे आपो अपने कमां विच लग गए, उस वेले तोते ने मौका देखिया कि हुण मेरे पास कोई आदमी नहीं है। एकदम उड़ के ब्रिछ की उच्ची टाणी ते जा बैठा अते जड़ परथ जी का बहुत धन्नवाद किया कि इन्हां महापुरशां दे इशारे नाल ही मेरी मुक्ति होई है। जिस वेले इस गल का पता राजे नूं लगा तां ओह वी संतां दी चरनी आ पिया, सुख आनंद पुछ के आखदा है, इस अंब ब्रिछ दे फल पक के सेर सेर दे हो जांदे हन ते बड़े मिठे हो जांदे हन, तुसीं फल खा के जाणा, छेती जाण दी कोशिश ना करनी। जड़ भरथ ने छेती जाण दा कोई ख्याल ना कीता। राजा ने अनेक प्रकार की प्रीख्या लिती पर संतां दा मन विखेपता विच ना आया। आखिर राजा ने निम्रता विच आ के बेनती कीती, आप कोई अजिही जुगती दसो जिस ते मैं भी घर विच रह के सुख दुख आउण ते हरक सोग दे सहत ना होवां ते जीवन मुक्त अवस्था दे आनंद नूं लवां। जड़ परथ नामे संतां ने कहा, हे राजन, तिन गुण ही पुरश नूं दुखी सुखी करदे हन, तू तिन्हां गुणां नूं त्याग दे, तेरा तिन्हां गुणां नाल कोई संबंध नहीं है, तेरा स्वरूप निर्गुण है। जिवें बदाम रोगन दा बदामां दे बूटे पत्तियां टाणियां फलां फुल्लां नाल कोई संबंध नहीं है, बल्कि बदाम दे उपरले छिलके नूं तोड़ के अंदरली गिरी नूं कुंडे विच पा के डंडे नाल रगड़ के उस विचों बदाम रोगन कढ़ के बाकी दा फोग सुट देईदा है। इसे तरह तिन्ने गुण अते तिन्ने कारण सूखम स्थूल शरीर फोग रूप हन, तू इन्हां विच रहिंदा होया भी इन्हां तों वक्खरा है। फिर फोग ने अपने विच बदाम रोग नूं छिपा रख्या है, दर्शन नहीं करन दिंदा, फोग बदाम रोगन दा बंधन रूप है। इसे तरह फोग रूप तिन्हां शरीरां ते तिन्हां गुणां ने तेरे स्वरूप नूं छिपा रख्या है, इसलिए तेरे स्वरूप विच इह सारे बंधन रूप हन। विचार द्वारा इन्हां सारिआं नूं त्याग के तू मुक्त रूप हो जा। माता पिता स्त्री पुत्र आदक जितनिआं संबंधियों विच तेरी ममता है इन्हां नूं नासवंत समझ के छड़ दे। इह तेरे संबंधी नहीं हन, इह तां तेरे शरीर दे संबंधी हन, इन्हां नूं त्याग दे। फिर शरीर की ममता नूं भी छड़ दे अते मन बुद्धि आदकां नूं विखेप रूप समझ के त्याग दे। त्रैगुण आत्मक माया जो सब का कारण है उसनों भी त्याग दे।
इस तरह के शुभ विचार रूप डंडे कुंडे नाल आत्मा रूपी बदाम रोगन नू कढ़ के त्रैगुण रूप माया नू फोग रूप जान के याने मिथ्या रूप समझ के त्याग दे। जिस वेले माया रूप तिन्ना गुणा नू त्यागेगा तां त्रैगुण अतीत तुरिया वस्तु नू अपना स्वरूप निश्चय करके जीवन मुक्त हो जाएगा। जड़ परथ नामे महापुरशां तो उपदेश सुन के राजा तिन्ना गुणा नू त्याग के दुख सुख विच सम हो के रहण लग पिया। जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुकत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।